हेलो गाइस, दिस इज मोटो मंत्रा मंत्रा फॉर योर मोटो। और ये आज के इस चैनल की पहली वीडियो है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं फास्टैग के बारे में। तो फास्टैग होता क्या है और यदि आप इसके बारे में जानते हैं और नहीं जानते और कुछ डाउट्स हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी की सारी चिंताएँ सब कुछ खत्म हो जाएंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम इंश्योर करेंगे कि आपको उसके बारे में बेनिफिट्स के बारे में पता लगे, ड्रॉबैक्स के बारे में पता लगे और जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उन सब के बारे में पता लगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा फास्टैग आपको लेना सबसे सही रहेगा। तो इस वीडियो को बिना समय गवाए, बिना सोचे समझे, बिना सब कुछ किए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फास्टैग होता क्या है। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि इंश्योर करता है कि आपकी कार को बिना नॉन स्टॉप, कहीं भी बिना रुके आपकी कार दौड़ती रहे। या आपको एक सर्दी का इंतजाम है, इतनी भरी सर्दी के अंदर आपको ज़रूरत होती है अपना हाथ थोड़ा सा बाहर निकालने की, वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है, यानी यहाँ पर आपके वॉलेट सिस्टम या आपके बैंक अकाउंट से सीधा पैसा कटेगा। तो ये था फास्टैग। तो फास्टैग के कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फास्टैग के बेनिफिट्स की। फास्टैग की यदि बेनिफिट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आप कैशलेस होकर चल सकते हैं, यानी कि यदि आपके पास कैश नहीं है तो आप आराम से अपनी गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपके वॉलेट या बैंक में भी नहीं है, आपके वॉलेट और बैंक में होना जरूरी है। साथ ही में आपकी ये जो फास्टैग है वो मदद करता है आपके टाइम को सेव करने में। फास्टैग बहुत ज़्यादा सिंपल है यूज़ करने में और इसी वजह से इसको ईजी यूज़ किया जा सकता है। फास्टैग की खास बात यह है कि जब भी आपके वॉलेट में या बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा तो एक SMS अलर्ट आपके फ़ोन में हमेशा की हमेशा आता रहेगा। अब ये तो सारी की सारी बात होगी बेनिफिट्स की। अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स की। ड्रॉबैक्स के बारे में तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लाइन लगा सकते हो। सबसे पहला ड्रॉबैक है हैकेबल। हैकेबल ये इस तरीके से है कि इंडिया के अंदर अभी भी कोई भी ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है कि किसी तरीके से अपनी वेबसाइट को या अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको सिक्योर कर सके। सबसे बड़ी वजह यही है कि सबसे ज्यादा हैक होने के चांसेस बन सकते हैं, यहां तक कि आपका पेमेंट वॉलेट या जो आपका बैंक अकाउंट है वो भी हैक हो सकता है। यानी यहां पर जरूरत है एक सिक्योरिटी सिस्टम की इंडिया को हर टोल सिस्टम पर, जहां पर उनका टोल कलेक्शन सिस्टम है वो सिक्योर किया जा सके। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यदि आपके पास दो डिफरेंट कार हैं तो पहले क्या करते थे, हमने कैश दिया, हम निकल गए। लेकिन यहां पर आपको दो डिफरेंट कार के लिए दो अलग से फास्टैग जरूरत होगी। अब तीसरा जो सबसे बड़ा दिक्कत ये है, जो कि सबसे ज़्यादा फेस करने को मिलेगी, वो ये है कि जब भी आप अपनी कार को बेचोगे तो आपका जो फास्टैग है वो उसके साथ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है तो दिक्कत यही है कि आपको इस फास्टैग को बंद कराना पड़ेगा और इसी वजह से ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है। अब जो कंप्लेंट्स आ रही हैं इसके रिलेटेड हम उसकी बात करते हैं। कई जगह पर कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि भैया कि जो आप एक टोल गेट पास कर रहे हैं लेकिन वहाँ जो दो दो टोल हैं वो कट रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। और इसका सबसे बड़ा घाटा यह है कि जब आप कुछ दूरी तक जाएंगे या दो तीन घंटे का रास्ता तय कर लेंगे उसके बाद में कई बार पैसे डिडक्ट होते हैं, जिसके लिए हमारे लिए कंप्लेंट करना भी आसान नहीं हो पाता है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक या हम बोल सकते हैं कंप्लेंट भी देखने को मिल रही है। साथ ही में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कई जगह पर ये जो रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है। इसके काम नहीं कर पाने की वजह से जो आपके जो ये फास्टैग है उसको स्कैन कर पाने में दिक्कत आ रही है और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये सारी की सारी स्टेट हाईवेज पर नहीं है, जो कि NH पर ही है, यानी आपकी नेशनल हाईवेज पर ही है और ये इसको जो कंट्रोल करता है वो NHAI ही करता है। अब बात आती है कि आपको कौन सा फास्टैग लेना चाहिए। आपको फास्टैग वो लेना चाहिए जो आपके लिए अच्छा हो और आपको जो सबसे ज़्यादा सूट करता हो और आपको बेनिफिट दे। यानी पैसे की तो सबको जरूरत होती है ना, पैसा वापस आता है तो कितनी खुशी होती है ना। वो जो पैसा है वो आपको देगा पेटीएम। पेटीएम का सबसे अच्छा फास्टैग इस वजह से है क्योंकि अभी तक मैंने जहां तक यूज लिया है वहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि आप इसके अंदर 400 रुपये दोगे, 400 रुपये देने के बाद में 400 रुपये आपके पास वापस आ जाएंगे। विद स्टार मैं आपको बता दूं कि ये विद स्टार है कि ये आपके पास कैशबैक आएगा। वो इस तरीके से आएगा कि आपके जो फास्टैग्स होते हैं उसके अंदर 150 रुपये का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो पेटीएम क्या करता है कि ये भैया आपकी 400 रुपए में से ही काट के वो सिक्योरिटी डिपॉजिट डाल देता है, जिसकी वजह से होता है क्या कि आपको 400 के अलावा 150 रुपए देने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी आपके पास यदि पेटीएम का फास्टैग है तो आपने 400 रुपए दिए, उसमें से 150 रुपए कट
कट के वापस कैशबैक आपके आपके सिक्योरिटी वो आपके फास्टैग के सिक्योरिटी डिपॉजिट में चले जाएंगे। जो बाकी 250 रुपये होंगे उनका क्या होगा, वो कुछ मूवी के फॉर्म के अंदर आएंगे या कुछ कैश वॉलेट के अंदर भी आ सकता है, जिसका आप मज़े से कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं और कुछ इधर भी खिला सकते हैं। तो यही थे इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपके लिए कुछ कॉमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारा कुछ खुला खुला है, तो वहाँ पर जाकर अपने सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही में हमें ज़रूरत है आपके अंगूठे की, नहीं नहीं काट के नहीं देना है, आपको अंगूठे से लाइक दबाना है, सब्सक्राइब करना है, और आज तक बेल ऐसे दबाते आ रहे थे ना, बेल अंगूठे से दबाना है, बेल आइकन भी है वहाँ पर जाकर दबा देना। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। दिस इज सुखिल विद सुरेश, पीस आउट।